हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। सो मैं अमन वर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस नए धमाकेदार लेक्चर में। और आज हम क्या सीखने वाले, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का ये है हमारा लेक्चर नंबर 4th और अभी तक की सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो जो है वो ये है। सबसे इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि यहाँ IUPAC नेमिंग सीखने वाले हैं हम। किसकी? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। ऐसा अभी तक एक भी एग्जाम नहीं हुआ है जिसमें इसका क्वेश्चन नहीं है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सीखना तो जरूरी है ही है। चाहे नीट हो, JEE हो, बोर्ड हो, अदर कोई सा भी कॉम्पिटिशन एग्जाम हो जिसमें ये चैप्टर आ रहा है, ये यहां से क्वेश्चन आना फिक्स है। आप अभी तक का हर पेपर उठा के देख लो, बोर्ड का देख लो, सब में आए। और इसके कुछ रूल्स है तो हम एक एक रूल्स को पढ़ते हैं और उसके बाद में एक एक IUPAC नाम में आपको लिखना सिखाऊंगा। लास्ट में हम करेंगे अमन सर स्पेशल क्वेश्चंस, ठीक है। तो अभी फिलहाल अपना आज का की पॉइंट यही है, IUPAC नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो देखो इसके कुछ रूल्स है, मैंने यहाँ कुछ रूल्स लिखे है पहले से ताकि हमारा टाइम वेस्ट नहीं हो। इसके बाद में एक रूल नंबर 3rd और है, फिर ये 3 रूल याद रखने, हमारा IUPAC नाम लिखना बहुत आसान हो जाएगा इसमें। देखो सबसे पहले रूल नंबर 1 क्या है कि द केटायन मस्ट ऑलवेज बी रिटन फर्स्ट एंड द नंबर ऑफ केटायन एंड एनायन डज नॉट रिटन। इसका मतलब क्या है, हम सबसे पहले किसका नाम लिखने वाले हैं? केटायन वाले पार्ट का। उसके बाद में किसका नाम लिखेंगे? एनायन वाले पार्ट का। और केटायन और एनायन का नंबर कभी भी नहीं लिख चाहिए। जैसे आप समझो बच्चों, हमारे पास में 4 तरह के कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। एक तो ऐसा हो सकता है न्यूट्रन, एक ऐसा हो सकता है कि कॉम्प्लेक्स पे नेगेटिव चार्ज हो तो काउंटर आयन पे क्या चार्ज होगा? पॉजिटिव। या एक ऐसा हो सकता है कि कॉम्प्लेक्स पे पॉजिटिव चार्ज हो तो काउंटर आयन पे क्या होगा? नेगेटिव। या एक ऐसा हो सकता है कि बच्चों 2 कॉम्प्लेक्स हैं, एक कॉम्प्लेक्स पे पॉजिटिव और एक कॉम्प्लेक्स पे क्या है? नेगेटिव। तो आप सबसे पहले नाम लिखना शुरुआत कहां से करोगे, क्योंकि फर्स्ट स्टेप इज द हार्डेस्ट स्टेप। पहला ही स्टेप किसी भी काम को शुरू करने के लिए पहला ही स्टेप मुश्किल होता है, उसके बाद में सारे काम आसान होते हैं। आसान तो नहीं होते, सबसे मुश्किल पहला स्टेप हो। शुरुआत कहां से करें? तो शुरुआत आपको हमेशा कहां से करनी है? कैटायन वाले पार्ट से। किसका नाम लिखना है पहले? कैटायन। अब ये न्यूट्रल है तो सीधा यहां से शुरू करेंगे। यहां कैटायन ये है तो आप पहले इसका नाम लिखोगे। आप पहले किसका नाम लिखोगे बच्चों? कैटायन का, फिर एनायन का नाम लिखोगे। अच्छा यहां पर कैटायन कौन है? ये है तो आप पहले इसका नाम लिखोगे। यहां पर कैटायन कौन है? ये है तो आप पहले इसका नाम लिखोगे, फिर एनायन का नाम लिखोगे। और उनमें भी हम इनके नंबर्स को नहीं लिखेंगे। जैसे मान लो ये 2 बार आ रहा होता तो हम डाई ट्राई नहीं लिखेंगे, ये 4 बार आ रहा होता तो हम टेट्रा पेंटा नहीं लिखेंगे, इनके नंबर्स को नहीं लिखते हैं। तो ये है हमारा रूल नंबर 1। क्या है रूल नंबर 1 की शुरुआत कहां से होगी? कैटायन से। फिर कौन किसको लिखना है? एनायन। Now, रूल नंबर 2nd आपको 2-3-4 चीजें बताता है। क्या 3-4 चीजें बताता है? नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन स्पेयर। सबसे पहले आप किसका नेमिंग सीख रहे हैं? कोऑर्डिनेशन स्पेयर का नाम सीख रहे हैं। कोऑर्डिनेशन स्पेयर कौन सा होता है? ये कॉम्प्लेक्स, इसका नाम देख रहे हैं। अच्छा इस कॉम्प्लेक्स में कौन कौन हो सकता है आपको पता है? इस कॉम्प्लेक्स में कौन कौन हो सकता है? मेटल होती है, लिगेंड होती है, और लिगेंड के क्या होते हैं? नंबर होते हैं। तो इन दोनों में से आप पहले किसका नाम लिखोगे? लिगेंड का। इसका नाम लिखोगे? लिगेंड। और लिगेंड में भी पहले क्या लिखोगे? उसके नंबर। ये कोऑर्डिनेशन स्पेयर है, इसमें 2 लोग हैं, एक मेटल है सेंट्रल एटम जिसको बोलते हैं, एक लिगेंड है। पहले किसका नाम लिखोगे? लिगेंड। और लिगेंड में भी पहले उसकी क्या लिखोगे बच्चों? नंबर्स लिखोगे कि वो कितना है, 2 है तो डाई ट्राई टेट्रा पेंटा, वो चीज सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद लिगेंड का क्या लिखेंगे हम? नाम, जो भी नाम है, एक वाय मीन व्हाटएवर। और वो नाम भी आप किसमें लिखोगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, जो अल्फाबेटिकल पहले आ रहा है ABCD में, आप पहले उसको लिखोगे फिर उस अगला नाम लिखोगे। अच्छा अगर 2-3 बार आ रहा तो हम डाइट्राई टेट्रा यूज करेंगे। जैसे देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ लिगेंड्स विल बी रिटन, देन लिगेंड्स नेम विल बी रिटन इन अल्फाबेटिकल रूल एंड वी हैव टू यूज डाइट्राई टेट्रा ETC। अच्छा अब लिगेंड कितने टाइप के हो सकते हैं? 3। नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, न्यूट्रल भी होता है। अगर नेगेटिव लिगेंड होता है तो उसके नाम के पीछे O आता है, अगर पॉजिटिव है तो उसके नाम के पीछे EM लगाना है, और अगर न्यूट्रल है तो उसका नाम आपको सेम लिखना है। जैसे
इस चीज को आप छोड़ भी सकती हो अगर मेरा लेक्चर देखा है तो, क्योंकि जब मैंने आपको लिगेंड्स की लिस्ट बनवाई थी, लिगेंड्स के नाम लिखवाए, तो मैंने ऑलरेडी इसी फॉर्मेट में लिखा है, आप चेक करना, वो पेज निकालो, पेज पलटो फटाफट, जहां पे नेगेटिव लिगेंड्स लिखे हैं उनके सबके नाम के पीछे ओ ओ ओ ओ आ रहा है, पॉजिटिव के नाम के पीछे ई एम आ रहा है, और जो न्यूट्रल उनके नाम के पीछे कुछ भी नहीं आ रहा है, एज इट इज लिख रहे हैं अपन। जैसे मान लो H2O है तो हम उसका नाम सीधा सीधा सा क्या लिखते हैं बच्चों, एक्वा लिखते हैं। NH3 है तो उसका नाम आप डायरेक्ट क्या लिखते हो बच्चों, अमीन लिखते हो। और नेगेटिव आ रहा है जैसे मान लो X- आ रहा है तो उसके नाम के पीछे आप क्या लिखते हो, हेलो लिखते हो। तो ये आपको मैंने डायरेक्ट उस लिस्ट में वही लिखवा रखा है वो जो आपको याद करना है, तो भले ही आप इस चीज को भूल सकते हो, जो नाम लिखा है वो लिखते हैं। इफ लिगेंड्स हैव ऑलरेडी डाई ट्राई डेट्रा ETC in their name, अगर उनके नाम में पहले से ही डाई ट्राई डेट्रा ये सब आ रहे हैं, तब हम क्या यूज करेंगे, तब हम यूज करेंगे बच्चों बिस ट्रिस टेट्रिस या इसी को टेट्रा किस चार किस, मजा आ गया, टेट्रा किस पेंटा किस या पेंटिस हेक्सा किस या हेक्सिस, ऐसा कब लिखना है जब नाम में ही ऑलरेडी डाई ट्राई आ रहा है। जैसे मान लो EN दो बार आ गया, EN कितनी बार आ गया, दो बार, एथिलीन डाई एमीन दो बार आ गया, तो आप ये नहीं लिखोगे डाई एथिलीन डाई एमीन, आप क्या लिखोगे बिस एथिलीन डाई एमीन, ऐसा आप इनको नाम लिखने वाले हो। तो ये आपके यहां तक के रूल से, अब हम देखेंगे रूल नंबर थर्ड। तो अब हम देखो बच्चों रूल नंबर थर्ड पढ़ रहे हैं, तो रूल नंबर थर्ड में क्या है देखो, इफ कॉम्प्लेक्स इज न्यूट्रल और पॉजिटिवली चार्ज, अगर कॉम्प्लेक्स पे पॉजिटिव और न्यूट्रल चार्ज है तो सेंट्रल एटम का नाम हम सेम लिखेंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स पे नेगेटिवली चार्ज है तो हम सेंट्रल एटम का नाम के पीछे क्या लगा देंगे, ईट। इस चीज को आप यहां समझो, जैसे मान लो कि अगर आपका कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल है या फिर कॉम्प्लेक्स के ऊपर बच्चों हमारा पॉजिटिव चार्ज है, तो जो तो नेम ऑफ, अगर ऐसा है तो नेम ऑफ सेंट्रल एटम विल बी सेम, तो हम उसका नाम क्या लिखने वाले हैं, सेम लिखने वाले। बट अगर ऐसा नहीं है और हमारा कॉम्प्लेक्स नेगेटिवली चार्ज है तो नेम के पीछे आप क्या लगा दोगे, एट। किसके नेम के पीछे, सेंट्रल एटम के नेम के पीछे क्या लगा दोगे, एट। जैसे अगर एजी हुआ तो आप लिख दोगे अर्जेंटेट, अगर कॉपर हुआ तो क्यूपरेट, जिंकेट, प्लेटिनेट, कोबाल्टेट, फेरेट, एल्यूमिनेट, निकलेट, ऐसा क्रोमियम हुआ तो क्रोमेट, सबके नाम के पीछे एट 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 लगा देना, क्या लगा देना, एट एट एट। क्यों, कब, जब उसके नाम, जब कॉम्प्लेक्स पे क्या चार्ज हो, नेगेटिव, अगर कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल है पॉजिटिव चार्ज है तो आप ऐसा कर दो। अब देखो मैं जब पढ़ता हूं ना तो मैं तो ऐसी चीजें बनाकर लिखता हूं, ये आसानी से समझ में आती है, ये लाइनें जो होती है ना मुझे बॉडी बेकार सी लगती है, इसलिए मैं हमेशा बहुत शॉर्ट एंड स्वीट में कुछ नोट्स यहां लिखता हूं ताकि ज्यादा दिमाग याद नहीं रहे, क्योंकि हमारा दिमाग जो है ना वो इमेजिनेशन को, इमेजेस को, वीडियोस को, ऑडियोस को ज्यादा याद रखता है, लिखी हुई चीजें किताबों को ज्यादा याद नहीं रख पाते हो। तो आप चीजें ऐसे बनाओगे ना तो आपको चीजें आसानी से ज्यादा लंबे टाइम तक याद रहेगी, समझ आ जाएगी। रूल नंबर फोर्थ, इन द लास्ट ऑक्सीडेशन नंबर विल रिटर्न, लास्ट में हमको क्या लिखना है, ऑक्सीडेशन नंबर किसका, सेंट्रल एटम का, और वो भी किसमें लिखना है, रोमन नंबर। तो ये हमारे रूल से, इन रूल्स को अच्छे से समझ लो, एक बार वापस वीडियो को देख लो, लिख लो, इसके बाद हम रेडी है आईयूपीएसी नेमिंग को करने के लिए। तो अब हम नाम लिखना सीखते हैं, मैं कुछ एग्जांपल लिखता हूं। तो अब मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, इनके हमें आईयूपीएसी नाम लिखने हैं, तो मैं आपको ये कुछ प्रैक्टिस करके दिखा रहा हूं, फिर बाकी आपको सारे क्वेश्चन खुद को करने, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे इन क्वेश्चन की आपकी गलतियां उतनी ही कम होगी, और ये समझ लो कि इसका क्वेश्चन ठीक से आपके एग्जाम में रखा हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पे जितने भी रूल्स पढ़े सबको एक साथ लगाएंगे। अब आप यहाँ पे चेक करो, देखिए इनमें से सबसे ऊपर आप किसका सबसे पहले नाम लिखोगे, हमेशा सबसे पहले नाम किसका लिखते हैं बच्चों, कैटायन का। अब इसमें पहचानो कौन कैटायन है कौन एनायन है, तो क्लोरीन पे क्या चार्ज आता है, माइनस, तो इस पे क्या चार्ज आएगा, प्लस, तो कैटायन ये हुआ और ये क्या हुआ, एनायन हुआ। तो हम पहले किसका नाम लिखेंगे, इसका नाम लिखेंगे,
और इसमें भी आप सबसे पहले सेंट्रल एटम का लिखोगे या लिगेंड का लिखोगे? लिगेंड का नाम लिखोगे बच्चों। लिगेंड में भी पहले किसका लिखोगे? जो अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे H2O है, H2O का नाम होता है एक्वा। BR है, BR का नाम है ब्रोमो। बताओ किसका नाम लिखोगे? एक्वा का। और उसका भी क्या लिखोगे पहले? नंबर। तो क्या लिखोगे? टेट्रा एक्वा, टेट्रा एक्वा। अब स्पेस नहीं देना है, एक ही सांस में लिखते हुए जाना है। टेट्रा एक्वा ब्रोमो दो है तो क्या लिखोगे? डाई ब्रोमो। लास्ट में आप इसका नाम लिखोगे सेंट्रल एटम का। अब बताओ कैसे? सेंट्रल एटम का नाम दो चीजों पे डिपेंड करता है कि कॉम्प्लेक्स पे क्या चार्ज है। यहां नेगेटिव आ रहा है तो इस पे क्या आ रहा है? पॉजिटिव। और न्यूट्रल और पॉजिटिव होता है तो नाम हम सेम लिखते हैं। तो आप इसका नाम स्पेस दोगे, अब हल्का सा क्या लिखोगे? कोबाल्ट। नेगेटिव चार्ज होता तो क्या लिखता? कोबाल्टेट। ओके सर। इसके बाद में आप इसका लिखोगे ऑक्सीडेशन नंबर। टेट्रा एक्वा डाई ब्रोमो कोबाल्ट। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आता है। अच्छा, ऑक्सीडेशन नंबर को एक चीज और बोलते हैं, क्या? प्राइमरी वैलेंसी अकॉर्डिंग टू वर्नर्स थ्योरी। पढ़ा हमने ये। तो अब देखो इसका आप निकालो कैसे। इसको मानोगे एक्स H2O है चार, एक पे होता है जीरो, प्लस ब्रोमीन है दो, एक पे होता है माइनस वन, प्लस दो क्लोरीन है, एक क्लोरीन पे होता है माइनस वन, इक्वल्स टू जीरो। तो एक्स प्लस जीरो माइनस टू माइनस टू बराबर जीरो। एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों? प्लस का फोर। तो आप यहां लिख दोगे फोर। लास्ट में लिखोगे CLA। अब यहां इसको क्लोरो या क्लोराइडो नहीं लिखोगे, सीधा लिखोगे क्लोराइड। क्यों बताता हूं? सीधा क्या लिखोगे बच्चों? क्लोराइड। ऐसा क्यों करा मैंने? देखो अगर ये लिगेंड होता, अंदर होता, तो ये बन जाता लिगेंड, और लिगेंड के नाम के पीछे हम O लगा देते हैं नेगेटिव इसलिए। लेकिन ये बाहर है तो हम लिखेंगे क्लोराइड। डाइक्लोराइड भी नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमने लिखा है रूल पहला ही कि हम केटाइन और एनायन के नंबर्स को नहीं लिखते, लिगेंड के नंबर्स को लिखते हैं, बाहर के वाले को नहीं लिखते। तो ये इस तरीके से आप इसका अच्छे तरीके से नाम ऐसे लिखोगे। चलो अगला वाला देखो बच्चों, इसका क्या नाम लिखेंगे अपन? सबसे पहले पोटेशियम पे आता है प्लस और इस पे आता है माइनस, तो आप पहले इसका नाम लिखोगे। समझ गए? अब देखो क्या लिखोगे? K2 आ रहा है तो डाई पोटेशियम मत लिख देना, क्या लिखोगे? पोटेशियम। ठीक है, तो यहां मैंने लिख दिया बच्चों क्या? पोटेशियम। हल्का सा स्पेस दो, अब इसका नाम लिखो। इसमें किसका नाम पहले लिखोगे? लिगेंड का। लिगेंड की संख्या कितनी है बच्चों? चार। तो क्या लिखोगे? टेट्रा क्लोरो या क्लोराइडो भी लिख सकते हो। और अब लिखोगे निकल का नाम सेंट्रल एटम का। अच्छा, यहां पॉजिटिव आ रहा है, सेंट्रल एटम का नाम कैसे लिखोगे? यहां पॉजिटिव आ रहा है तो यहां क्या आएगा? नेगेटिव। अब सेंट्रल एटम का नाम क्या लिखोगे? निकल की जगह क्या लिखोगे? निकलीट। क्या लिखोगे? निकलीट। ऑक्सीडेशन नंबर लिखो इसका, आप क्या लिखोगे? इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो यहां से, दो पोटेशियम में एक पे आता है प्लस वन, निकल का निकाला है मान लिया एक्स, क्लोरीन है चार, एक क्लोरीन पे आता है माइनस वन बराबर जीरो। तो टू प्लस एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो। एक्स की वैल्यू प्लस दो आ रही है, दो लिख दो, सिंपल एज दैट। बोलो क्या दिक्कत है इसमें? कितना आसान सा नाम है अपना ही। इस तरीके से आपको इनकी नेमिंग करनी है। आगे देखो इसका नाम, इसको हम वैसे टॉलरेंस रिएजेंट भी बोलते हैं। बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आया, व्हाट इज द आईयूपीसी नेम ऑफ टॉलरेंस रिएजेंट? तो टॉलरेंस रिएजेंट का ये आईयूपीसी नाम लिखना है। सीधा सा ये दे रखा है, लिगेंड का नाम लिखो। क्या लिखोगे? डाई अमीन। एनएसपी का नाम क्या है? अमीन। तो डाई अमीन। और उसके बाद में एजी का क्या लिखोगे? प्लस चार्ज आ रहा है तो सिल्वर ही लिखोगे। अर्जेंटेट तो लिख नहीं सकता, नेगेटिव होता तो अर्जेंटेट लिख देता। और ऑक्सीडेशन नंबर एक आ रहा है, देखो ना यार, NH3 का होता है जीरो, बचा इसका प्लस वन। इसका नाम देखो क्या लिखोगे अब? पोटेशियम, पोटेशियम। इसमें अब दो आ रहे हैं, एक तो C2O4 है, C2O4 क्या है? ऑक्सलेटो। Cl क्या है? क्लोरो। O पहले आता है, C पहले आता है, क्लोरो। तो क्या लिखोगे स्पेस देकर? डाई क्लोरो, डाई क्लोरो, डाई ऑक्सलेटो, ऑक्सलेटो। कोबाल्ट ना लिखकर माइनस चार्ज आ रहा तो क्या लिखोगे? कोबाल्टेट, कोबाल्टेट। ऑक्सीडेशन नंबर कितना लिखोगे बताओ? तीन यहां आ रहा है, इसका निकाल लेते हैं अपन। ऑक्सीडेशन नंबर देखो, तीन पोटेशियम में एक का होता है प्लस वन, कोबाल्ट का निकालना है मान लिया एक्स, ऑक्सलेटो दो है, एक का होता है माइनस टू,
ऑक्सीडेंटों पर माइनस टू चार्ज होगा, प्लस दो क्लोरीन एक पे होता है माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, तो ये हो जाएगा तीन प्लस एक्स माइनस चार माइनस दो बराबर जीरो, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी माइनस छह, तीन आ रहा है बच्चों, यहां लिख दोगे आप तीन, तो ये इस तरीके से आप इसका नाम भी लिख सकते हो, कोई समस्या वाली बात नहीं है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। गर्मी गर्मी गर्मी, हे भगवान एसी लगवा दो यार, इतना पैसा दो मुझे, इतना पैसा दो कि एसी लग जाए मेरे घर में, मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ, ठीक है ऐसा लिखोगे आप इसका। मैं ऐसे हालातों से डरता नहीं हूँ, देखो जैसे अभी मैं ये कर रहा हूँ ऐसे कि यार बच्चे क्या सोच रहे होंगे, घर में ऐसी नहीं इतने पैसे कमाता है, फिर भी मैं हालातों के साथ डरता नहीं, कितने भी मुश्किल हालात हो मैं उसके साथ जी सकता हूँ, काम कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे बस एक ही चीज आती है और वो है बच्चों मेहनत। मेहनत करने में कभी पीछे नहीं रहा, ना अभी हूं ना आगे रहूंगा, मुझे भी इस चीज का कोई फायदा अभी पता नहीं, मैं वीडियो बना रहा हूँ, तुम लोग देखते हो नहीं देखते हो आई डोंट नो, तुम्हें इससे हेल्प मिल रही है नहीं मिल रही आई डोंट नो, मैं मेरा काम कर रहा हूँ, भगवान देख रहा है वो मेहनत करेगा। हमें मेहनत आरसीबी की तरह करनी चाहिए। आरसीबी का कल मैच था आपने देखा होगा, उनकी होप थी 1%, 1% चांस था उनका कि वो जीत सकते, लेकिन उनके एफर्ट्स थे 200%, एफर्ट्स कितने थे 200%। आपका नीट का एग्जाम हुआ, जेई का एग्जाम हुआ, या मेरी लाइफ का एग्जाम हुआ, 1% उम्मीद है बच्चों, लेकिन एफर्ट्स कितने होने चाहिए 200%, देन यू विल विन। कोई सा भी गेम, चाहे क्रिकेट का हो, चाहे जिंदगी का गेम हो, चाहे आपका नीट जेई का गेम हो, सब में आप जीत सकते हो, एफर्ट्स 200% होने चाहिए। कितना ज्ञान देता हूं, नाम लिखो इसका, देखिए क्या लिखोगे। सबसे पहले आप लिखोगे क्या, हेक्सा फ्लोरो क्रोमी, माइनस चार्ज है तो क्या लिखोगे क्रोमेट, और ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है, प्लस का तीन आ रहा है, और लास्ट में आयन लिख सकता हूं मैं, यहां पे भी आयन लिख सकता हूं, जब भी चार्ज होता है ना कॉम्प्लेक्स पे तो उसका नाम क्या लिख सकते हैं, आयन लिख सकते हैं। ये तीन क्वेश्चन देखो आप, इन तीन में से ना मैं दो करके दिखाऊंगा, एक आप करोगे, ठीक है देखो क्या इन तीनों में से, यहां कॉम्प्लेक्स है यहां कॉम्प्लेक्स है, तो एक कॉम्प्लेक्स पे पॉजिटिव आएगा और एक पे नेगेटिव आएगा। अब कितना पॉजिटिव आ रहा है कितना नेगेटिव आ रहा है हमें ये नहीं पता है, हमें बस पता है एक पे पॉजिटिव एक पे क्या आ रहा है नेगेटिव। तो पहले पॉजिटिव वाले का नाम लिखोगे, इसमें क्या लिखोगे बच्चों बताओ, हेक्सा अमीन, छह अमीन है ना, हेक्सा अमीन, क्रोमियम है ऊपर प्लस चार्ज आ रहा है तो क्रोमेट ना लिखकर क्या लिखूंगा, क्रोमियम क्रोमियम, फिर ऑक्सीडेशन नंबर पता नहीं है अभी छोड़ दो, फिर हल्का से स्पेस दो, अब इसमें देखो इसमें क्या लिखोगे, हेक्सा साइनो, क्या लिखोगे हेक्सा साइनो या साइनेटो भी लिख सकते हो। अब यहां कोबाल्ट है और इसका नाम ऊपर माइनस आ रहा है तो इसका नाम कोबाल्ट ना लिखकर मैं क्या लिखूंगा, कोबाल्टेट कोबाल्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर पता नहीं अब लिखूंगा, अब देखो जरा क्या लिखोगे आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर, इसका निकालना है x मान लिया NH3 6 है एक पे 0 प्लस कोबाल्ट का निकालना है मान लिया x Cn है 6 एक का होता है माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, x प्लस 0 प्लस x माइनस 6 बराबर 0 तो 2x बराबर 6, x की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो तीन तीन इनके क्या हो जाएंगे ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएंगे बच्चों, इन तीन इनके क्या हो जाएंगे ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएंगे बच्चों। ऐसा आया क्या कुछ समझ, इंपोर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं नीट में अभी 2022 के अंदर, सेम ये का ये तो नहीं पर सेम ऐसा कैसा है क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है देखो आगे इसका नाम मैं बता रहा हूं, अगले वाले का आप खुद ट्राई करना, ठीक है देखो ये एक और बता देता हूं, चलो इसमें इस पे आएगा पॉजिटिव इस पे आएगा नेगेटिव, ठीक है इसका नाम पहले लिखा जाएगा क्या है इसके अंदर, टेट्रा टेट्रा अमीन प्लेटिनम प्लेटिनम, ऑक्सीडेशन नंबर पता ही नहीं इसका लिखो, टेट्रा क्लोरो या क्लोराइडो क्यूपर कोपर ना लिखकर माइनस चार्ज दे तो क्या लिखूंगा क्यूपरेट, ऑक्सीडेशन नंबर पता ही नहीं निकालो इसका, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालोगे आप, प्लेटिनम को मानोगे एक्स NH3 पे चार है एक पे होता है जीरो, कॉपर का भी निकालना मानो कि x क्लोरीन चार एक पे होता है माइनस वन बराबर जीरो,
तो 2x बराबर 4, तो x की वैल्यू प्लस 2 आ रही है, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है ये दोनों वेरिएबल हो, तो वहां हम अलग से चीज लगा के देखेंगे, उसको मैं अमन सर स्पेशल में करवाऊंगा। अब एक बार आप ये लिखो। तो अब हम करेंगे बच्चों तुम्हारे सबके फेवरेट अमन सर स्पेशल क्वेश्चंस, जिसका सबको इंतजार रहता है। ये है आपके 5 ऐसे क्वेश्चन जो स्पेशल है, थोड़ा अलग काम है, तभी तो अमन सर स्पेशल है, वरना अमन सर स्पेशल होती ही नहीं। ठीक है, इनको करने हैं, एक बार आप खुद ट्राई करो, और फिर इनके इन दो को तो छोड़ो, ये नहीं, ये तीनों का नाम तुम खुद ट्राई करो। अगर मस्त लिख देते हो, इसका मतलब ये है कि भाई साहब तुम बहुत बढ़िया सीख रहे हो, जीवन में सब कुछ अच्छा होगा। देखो यहां आप इस पे लिखोगे प्लस, यहां लिखोगे माइनस। कितना प्लस है कितना माइनस है हमें नहीं पता, बस प्लस और माइनस है ये पता है। इसमें सबसे पहले आप लिगेंड का नाम लिखोगे, ये है बच्चों आइसोथायोसाइनेटो, ये है अमीन। तो पहले आप इसी का नाम लिखोगे, ऑब्वियसली पेंटा अमीन आइसोथायो साइनो या साइनेटो, कुछ भी लिखो, क्रोमियम ही लिखूंगा मैं, क्रोमियम ही लिखूंगा मैं। क्यों? क्योंकि बच्चों कॉम्प्लेक्स पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ऑक्सीडेशन नंबर अभी पता नहीं है। इसके बाद यहां आओ, यहां लिखोगे बच्चों आप टेट्रा क्लोरो जिंक, ना लिखकर क्या लिखूंगा मैं, जिंकेट लिखूंगा। क्यों? नेगेटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स है, ऑक्सीडेशन नंबर पता नहीं। अब आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखो, देखिए क्या आता है, निकालो क्या आएगा ऑक्सीडेशन नंबर। ये निकाला मैंने, इसको माना एक्स NH3 है 5, एक पे होता है जीरो चार्ज, NCS एक है, एक पे होता है -1, प्लस जिंक को निकालना है एक्स, क्लोरीन 4 है, एक का -1 इज इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस जीरो माइनस वन प्लस एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो, 2x बराबर 5/2, और एक्स x बराबर 5/2 आ रहा है, मतलब ये 2.5 आ रहा है, तो ऐसा तो आ ही नहीं सकता। ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा जो है पूर्णांक में आएगा, एक नंबर में आएगा 2, 3, 4 ऐसे नहीं आ सकता, तो ये तो गलत हो गया। अब क्या करें, ये सोचो अब कि यार ये तो 2.5 आ रहे, ऐसा हो नहीं सकता है। अच्छा एक बात बताओ, ऑक्सीडेशन नंबर किस किस का आ रहा है, इसका तो आ रहा है 0, इसका आ रहा है -1, इसका आ रहा है -4, ठीक है, इन दोनों का तो अभी पता नहीं, इसका इतना चार्ज, इसका इतना चार्ज, इसका इतना चार्ज, -4 और -1 मिलकर कितना हो रहा है -5, उधर जाएगा तो टोटल कितना हो जाएगा +5। कहने का मतलब ये है कि ऐसा समझ लो 2x इक्वल्स टू मेरा यहां क्या आया 5 आया ना, तो मैं अब ऐसा कर सकता हूं कि दोनों को 2.5 दे दूं, इसका भी 2.5 आ जावे, इसका भी 2.5 आ जावे, बट हम ऐसा कर नहीं सकते, पॉइंटों में आता नहीं है। तो अब मैं क्या कर सकता हूं कि किसी एक को 2 दे दूं, इसको 2 दे दूं, इसको 3 दे दूं, या फिर इसको 3 दे दूं, इसको 2 दे दूं। अब बच्चों अगर आपने डी ब्लॉक पढ़ा है तो आपको पता होगा जिंक हमेशा 2 ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। अगर आपने डी ब्लॉक वाला चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता होगा जिंक सिर्फ और सिर्फ कितना ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, 2। तो फिक्स है, 3 नहीं कर सकता, 1 नहीं कर सकता है, कितना शो करता है, 2। तो 5 में से 2 इसने शो कर दिया तो कितने बच रहे, 3, तो ये कितना शो करेगा, कारण भी बता सकता हूं मैं चाहूं तो अभी तुम्हें। जिंक है 30 पर आता है, लिखते हैं अपन ऑर्गन 4s2 3d10, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन हटा दे तो +2 शो करेगा, d10 आ रहा है, d10 इज मोस्ट स्टेबल, इसीलिए ये सिर्फ 2 ही ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। तो 5 में से जिंक ने 2 कर दिया, बचा कितना, 3, तो क्रोमियम कितना करेगा, 3। आई होप आपको ये समझ आया होगा, थोड़ा स्पेशल मामला था, तभी तो आंसर स्पेशल है रे मेरे गुलगुलो। हम तुम कितने पास है कितने, थोड़ी दूरी है लेकिन पास हम दिल से है बच्चों। देखो तो ये हमारा एक मस्त सा क्वेश्चन हुआ, इस तरीके से ध्यान रखना। अगला देखो बच्चों, ये भी स्पेशल है, इसमें भी कुछ मामला चलने वाला है। यहां Fe 4 है, अंदर Fe है, और यहां 3 और है, तो अब क्या करें सर, हाँ अब क्या करें हम, अरे तो भाई लिखो ना नाम। इस Fe की 2 चांस है, Fe आपको पता है 2 ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, एक तो +2 करता है और एक +3 करता है। जब +2 होता है तो हम उसको बोलते हैं फेरस, +3 होता है तो हम उसको बोलते हैं फेरिक। तो अब ये जो Fe है ये +2 भी हो सकता है और +3 भी हो सकता है, हमको नहीं पता कि क्या है, ये दोनों हो सकता है। तो मैं दोनों लिख के देख लेता हूं, पहले इसके हिसाब से लिखता हूं। तो मैं यहां लिख रहा हूं फेरस
फिर अंदर जाऊंगा तो छह साइनो है तो क्या लिखूंगा, हेक्सा साइनो और फेरेट, फेरेट और ऑक्सीडेशन नंबर निकाल देता हूं मैं। अगर ये फेरस लिखा है इसका मतलब क्या है बच्चों, प्लस टू है, निकालो ऑक्सीडेशन नंबर। एफ यहां बाहर कितने हैं, चार। फेरस लिखा है इसका मतलब हमने क्या कंसिडर करा है इसको, प्लस टू। हेक्सा साइनो कितने हैं, छह है, एक पर आता है माइनस वन। इंटू में इसको मैं कर रहा हूं तीन से हुआ, क्यों, यहां बाहर तीन है ठीक है। प्लस एफ का निकालना उसको मैंने मान लिया एक्स, और इससे को भी मैं किससे गुणा कर दूंगा, तीन से, क्योंकि बाहर कितना है तीन। पहले मैं ये वाली कंडीशन अप्लाई करता हूं, अगर इससे मामला बढ़ गया तो ओके, नहीं तो फिर इससे करूंगा ठीक है। तो यहां कितना आएगा, आठ माइनस अट्ठारह प्लस थ्री एक्स इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू जीरो। दस प्लस थ्री एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स की वैल्यू कितनी आ रही, दस बटे हुए तीन, गलत। क्यों, एक्स की वैल्यू आपकी फिक्स आनी चाहिए, ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स नंबर में आना चाहिए, ये पॉइंटों में आ रहा है, इसका मतलब ये गलत है। अब ये रख के देखो, आप ये रखोगे तो फेरस की जगह क्या नाम लिखोगे, आप फेरिक लिखोगे सर, क्या लिखोगे, फेरिक लिखोगे। अब यहां प्लस टू की जगह क्या आएगा, प्लस तीन। अब कैलकुलेशन करके देखो, चार ती है बारह, माइनस का अट्ठारह, प्लस का थ्री एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो 12 में से 18 गए तो 6 प्लस 3x इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 2 आ रही है, तो आप इसकी जगह यहां लिख दो, क्या नाम बन गया, फेरिक हेक्सा, फेरिक हेक्सा साइनो या साइनेटो, और एफ ही है फेरेट, और ऑक्सीडेशन नंबर है 2। अब इस तीन का यहां कोई रोल नहीं, ये ऑक्सीडेशन नंबर में रोल आ गया। ये क्यों हुआ ऐसा, अलग स्पेशल केस हुआ, क्योंकि जो बाहर आ रहा है इसकी ऑक्सीडेशन नंबर वेरिएबल है, चेंज हो रही है, जैसे अंदर वाले फिक्स हो रहे हैं, ये बाहर वाला चेंज हो सकता है, जैसे एफ भी दो शो कर सकता है, इसीलिए हमने ऐसा काम करा, बाकी सब एक ही कर रहे थे, जैसे पोटेशियम आ रहा था तो पोटेशियम प्लस वन ही शो कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं शो कर सकता, इसलिए हम ऐसा करते हैं। इसका नाम देखो अब क्या है हमारा, मैग्नीज है कितने, दो, कार्बोनिन है बारह, तो बारह को हम बोलते हैं डोडे, और सीओ को हम बोलते हैं कार्बोनाइल, मैग्नीज दो है तो क्या लिखोगे, डाई मैग्नीज, ऑक्सीडेशन नंबर कार्बोनिल के चार्ज कितना होता है जीरो, अब जीरो इंटू बारह कर दो जीरो, खत्म मामला, मारे गुल्लो, मस्त से क्वेश्चन थे ये तो थर्ड नंबर वाला तो आसान नहीं हुई, सस्ता सा था, सस्ता मंसर स्पेशल था ये। अब इन दोनों को देखना, इन दोनों में से एक आप करना, पहली बात तो बोर्ड वाले बच्चे खिसक लो, बोर्ड में नहीं आएंगे, नीट और जे वाले बच्चे बिल्कुल फोकस करो, कहीं नहीं जाना है, इधर देखना है ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां आते हैं ये क्वेश्चंस। देखो ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं ब्रिज कंपाउंड्स, क्या बोलते हैं, ब्रिज कंपाउंड्स। कैसे पता चल रहा है, NH2 इधर भी बॉन्ड बना रहा है, इधर भी बॉन्ड बना रहा है, OH इधर भी बॉन्ड बना रहा है, इधर भी बॉन्ड बना रहा है, वैलेंसीज खराब कर दी, OH एक ही बॉन्ड बना था, दो बना रहा है, ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं बच्चों ब्रिज कंपाउंड्स, क्या बोलते हैं, ब्रिज। अब इनके दो तरीके से हम नाम लिख सकते हैं, देखो क्या है, सबसे पहले यहां से शुरुआत करो, कौन एबीसीडी में बाद में आ रहा है, पहले आ रहा है, यहां से शुरुआत करो, पहला तरीका ये, क्या है यहाँ पे, चार है, टेट्रा है, कौन है, एक्वा है, टेट्रा एक्वा, इसका नाम जो आ रहा है क्या आ रहा है, कोबाल्ट आ रहा है, उससे पहले हम इनका नाम लिखेंगे, चाहो तो पहले कोबाल्ट लिख लो, टेट्रा आई मीन कोबाल्ट लिख लो, कोई समस्या वाली बात, एक सेकंड है यार, इतनी गर्मी, मुझसे ये गर्मी ना सहन होती है, मुझसे ये गर्मी नहीं सहन होती है। देखो टेट्रा एक्वा कोबाल्ट को बाद में लिखना है, इन दोनों को पहले लिखना है, इसके आगे अपन म्यू लिखेंगे, म्यू का मतलब है कि ये ब्रिज लिगेंड, कौन सा लिगेंड है, ब्रिज, याद रख। अब इन दोनों में अल्फाबेटिकली पहले कौन आता है, ये है अमीडो, ये है नाइट्रो, तो कौन आता है, अमीडो, तो म्यू अमीडो, फिर से म्यू नाइट्रो, एनओ टू का नाम क्या लिखते हैं, नाइट्रो, ये अमीडो है, ये नाइट्रो, जो पहले आया उसको लिख दिया, दोनों के आगे म्यू लिखा है, म्यू क्यों लिखा है, क्योंकि ये ब्रिज लिगेंड है, ठीक है। अब आओ वापस आ गया, आप इसके बाद क्या करोगे, यहां इसका नाम लिखोगे कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन नंबर पता नहीं छोड़ दो, इसी के आगे वाला मामला चला रहा हूं मैं यहां पर, ठीक है, जगह नहीं इसलिए इधर लिखता तो आ जाती, इसी के बाद वाला जस्ट, फिर यहां शुरू करोगे आप, कितने
एन ए थ्री है चार, तो क्या लिखोगे? टेट्रा अमीन कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन नंबर पता नहीं, लास्ट में ये क्लोराइड लिखोगे, क्लोराइड लिखोगे, टेट्रा क्लोराइड नहीं लिख सकते अपन, ठीक। अब ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो इसका, बस चार एच टू है जीरो, कोबाल्ट है एक्स, एन एच टू पे माइनस वन, प्लस एनओ टू, एनओ टू ए के इसका भी माइनस वन, कोबाल्ट का निकालना एक्स, एन एच थ्री चार है जीरो, क्लोरीन चार एक पे माइनस वन बराबर जीरो, कितना जीरो प्लस एक्स माइनस वन प्लस एक्स प्लस जीरो माइनस चार बराबर जीरो, टू एक्स प्लस टू माइनस चार बराबर जीरो, तो टू एक्स दो आ रहा है, एक की वैल्यू आ रही है एक्स की, एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है एक एक आ रही है, यहाँ पे भी फर्स्ट और यहाँ पे भी फर्स्ट, फर्स्ट ऑक्सीडेशन नंबर हमारा आ रहा है। बच्चों मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने गलत निकाली है ये गलत क्यों निकल लग रही है? वापस देखो, इसका तो जीरो हो रहा है, इसका भी जीरो हो रहा है, माइनस वन और माइनस चार, सॉरी गलत है, माइनस वन इसका आ रहा है, माइनस वन इसका आ रहा है, माइनस चार इसका आ रहा है, माइनस छ उधर गया तो प्लस छ, और दो है तो तीन, तीन तो इसका भी तीन आ रहा है, इसका भी तीन आ रहा है, तो इन तरीके से हम दोनों नाम लिख सकते हैं। अब इसका आप ट्राई करना, आई होप आपको यहां तक का लेक्चर अच्छा लगा होगा, इतनी देर आपको हमने अच्छी अच्छी बातें समझाई, मजा आया होगा। अब बाकी पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, आईयूपीएससी की प्रैक्टिस कर लेना, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन कर लेना। जय हो, बाय।